हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन वीडियोस। आज जो आपको दिखाने वाला हूँ हेयर कट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पहले बहुत सारे ऐसे हेयर कट किए हैं, स्टेप्स हेयर कट और ये सब, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और इसको हम बोल सकते हैं ट्विस्टिंग हेयर कट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ट्विस्टिंग लेयर, ट्विस्टिंग मल्टी लेयर, ट्विस्टिंग स्टेप्स, आप ये सब इसको नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाइए। और हेयर कट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 4 सेक्शन, जो एज़ ऑलवेज मैं बोलता हूँ, वो करने हैं। सेक्शनिंग करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हेयर कट। अभी मैंने सेक्शनिंग कर लिया है, फ्रंट के हेयर्स को बांध दिया और बैक के हेयर्स को मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से ट्विस्ट करके काटना है बालों को। ओके, सबसे पहले आप बाल गीले कर लीजिए, बिकॉज बालों में टैंगल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए गीले होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप गीले अच्छे से करोगे तो आप जो है हेयर कट अच्छा कर पाओगे, और इसका हेयर कट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, मेरा वन ऑफ फेवरेट हेयर कट है, मैं ऑलवेज करता हूँ ये, और आप भी ट्राई करके देखिए। ओके, सबसे पहले हम टैंगल निकाल लेंगे पेडल ब्रश से। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं सबसे, जो लोग मेरे चैनल पे हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो कैसा लग रहा है और पहले वाली वीडियोस कैसी लगी हैं, आप अपने कमेंट्स दीजिए। कैसी लगी है मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, अच्छी लगी या बुरी लगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ 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 ईमेल करिए। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। उसमें जाके आप मेरा ईमेल ढूंढिए, मुझे ईमेल करिए, मेल करिए, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, सबसे पहले हमने बॉक्स एरिया लिया और स्ट्रेट वन लेंथ चॉप कर दिया। उसी तरह से साइड वाले बाल भी काट लेने हैं, चॉप कर देने हैं 0 डिग्री पे। ओके, अभी अदर साइड के बाल काटने के बाद हम इसको किस तरह से काटेंगे वो देखिए, जो ट्विस्टिंग हेयर कट है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे काट रहे हो बाल, ये देखना। तो सबसे पहले हम बॉक्स कैरियर लेंगे, सेम एज यूजुअल जैसे मैं करता आ रहा हूँ, कॉम करेंगे वर्टिकली। ओके, वर्टिकली कॉम कर रहे हैं, 90 पे पकड़ रहा हूँ मैं। जैसे ही बालों को 90 पे पकड़ा, यहाँ पे ग्रिप बनाया और ट्विस्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। छोटे बाल मेरी गाइडलाइन, फिर से देखिए, मैंने पकड़ा 90 पे, पकड़ा, ट्विस्ट किया, हॉरिजॉन्टल कर लिया, और 90 डिग्री पे ही जो छोटे बाल छूट रहे हैं उसको छूटने दो, और जो बड़े बाल हैं उनको आपको काटना है, और जिगजैग में काटना है ये हेयर कट पूरा, ठीक है। तो अगर आप देखते जाएंगे पूरा हेयर कट, तो आपको समझ में आएगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अभी साइड के बाल भी उसी तरह से मैं पकड़ूंगा, कॉम करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, वर्टिकली पकड़ के इसको हॉरिजॉन्टल ले जाऊंगा 90 डिग्री पे। वर्टिकली पकड़ा, हॉरिजॉन्टल कर लिया, और 90 डिग्री पे इस तरह से काटना है मुझे। तो जो छोटे बाल हैं वो गाइडलाइन है, बड़े बालों को काटते जाइए, डरिए मत प्लीज़। और जिगजैग काटना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिगजैग जितना अच्छा आप काट पाओगे, प्रैक्टिस करिए जिगजैग काटने का। उसी तरह से मैं लेफ्ट साइड के हेयर्स जो हैं वो ले रहा हूँ क्लाइंट के, कॉम कर रहा हूँ। ओके, पकड़ रहा हूँ, पकड़ा मैंने, वर्टिकली कॉम रखा, ट्विस्ट किया और 90 डिग्री पे कट किया। जो छोटे बाल है वो गाइडलाइन, बड़े बालों को मुझे काट देना है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये काफ़ी डिफरेंट हेयर कट है। जैसे जैसे ही आप ऊपर बाल काटते जाओगे, तो इसमें वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा बाकी हेयर कट के कंपैरिजन में। और जब आप ब्लो ड्राई करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये कितना डिफरेंट है बाकी हेयर कट से। तो ये एक न्यू टेक्निक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो पहले करता ही हूँ, बट आप लोगों के लिए ये ऑब्वियसली न्यू है, बिकॉज आप लोगों ने पहले ये कभी ट्राई भी नहीं किया। तो ये ट्राई करिए और देखिए, और रिज़ल्ट बताइए आपको कैसा लगा। अभी नेक्स्ट सेक्शन लेंगे ऊपर वाला, हाफ मून वाला सेक्शन मैं बांध दूंगा। ओके, और पीछे वाले बालों को अच्छे से पहले गीला कर लेंगे, टैंगल्स निकाल लेंगे, फिर हेयर कट करेंगे। ओके, तो आप टैंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। अब पूरा हेयर कट देखिए, फिर मुझे बताइए। ड्रायर होने के बाद मैं आपको ड्रायर के बाद बात करूँगा। इसी तरह से पूरे बाल काटने हैं, देखिए आप ध्यान से।
अभी आ जाता हूँ मैं साइड वाले बालों पे। साइड वाले बालों को मैंने एंड ऑफ द आईब्रो मिड ऑफ द आईब्रो वाला सेक्शन निकाल के मैंने कॉम करके ऊपर क्लिप कर दिया है। तो जो साइड वाले बाल हैं वो लंबे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राई हैं, जिससे ये टेंगल्स पड़ रहे हैं बालों में, ठीक है। तो पहले आप पेडल ब्रश से टेंगल निकाल लीजिए पूरे बालों के, और मैं पीछे वाले बालों का गाइडलाइन लूँगा और फिर से उसको पकड़ूँगा एंड ट्विस्ट करके काटना है मुझे। ध्यान से देखिएगा फ्रंट वाले हेयर्स को मैं 90 डिग्री पे किस तरह से काट रहा हूँ। तो टेंगल्स आप अच्छे से निकाल लीजिए पहले, देखिए मैं कैसे बाल पकड़ रहा हूँ ताकि क्लाइंट के बाल खींचे नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो पीछे वाले बालों का गाइडलाइन कॉम लिया मैंने, गाइडलाइन लिया ओके, और इस तरह से मैंने सारा ही सेक्शन ले लिया। इसको आप दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो वर्टिकली। वर्टिकली पकड़ा मैंने ओके, वर्टिकली कॉम कर रहा हूँ, पहले सेक्शन को वर्टिकल रखा हुआ है, कॉम को वर्टिकल रखा हुआ है, मैंने कॉम किया एंड उसको हॉरिजॉन्टल किया, 90 पे खींचा। छोटे बाल जो हैं वो मेरी है गाइडलाइन, और बाकी सब बड़े बालों को आप काट दीजिए, जिगजैग में काटिए प्लीज़। आपको बार बार बोल रहा हूँ जिगजैग काटना बहुत ज़रूरी है ओके। तो जैसे ही ये कट जाता है, अभी ऊपर वाले बाल भी इसी तरह से मुझे इसके साथ मिक्स कर लेने हैं। पहले मैं लेफ़्ट साइड के बाल काटूँगा, फिर बॉक्स एरिया का काटूँगा। बॉक्स एरिया हम एक साथ पकड़ के काट सकते हैं दोनों साइड की गाइडलाइन लेके ओके। तो यहाँ पे भी मैंने मिड ऑफ द आईब्रो वाला सेक्शन जो है वो बांध दिया है, उसी तरह से इसको भी काटना है। तो जैसे ही दोनों साइड के बाल कट जाते हैं, टॉप वाला पार्ट जो है एक तो हैवी है, ऊपर से टेंगल बहुत ज़्यादा है, तो मैं पेडल ब्रश के साथ ही कॉम करके पेडल ब्रश के साथ ही पकड़ सकता हूँ। आपको अलग से कॉम लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इतने हैवी बालों में क्या होता है, कई बार आप जब कॉम करते हो तो बालों में से कॉम करते करते आपका कॉम टूट जाता है। तो हैवी बाल जब भी हों आप पेडल ब्रश का यूज़ करिए। मैं कॉम कर रहा हूँ, देन अगेन मुझे प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं पेडल ब्रश ही यूज़ करूँगा। मुझे पता है ये बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो ये कटेंगे नहीं, ट्रस्ट मी ओके। आप देख लीजिए ध्यान से, जितने हैवी बाल तो आप पेडल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इतने बाल काटने के लिए। जब बाल हैवी हो जाते हैं कॉम आपका काम नहीं करेगा ओके। तो आप देख लीजिए कॉम कर रहा हूँ बट स्टिल प्रॉब्लम आ रही है हेयर पकड़ने, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैंने पेडल ब्रश लिया, सारे टेंगल्स जो हैं वो निकाल दिए, पेडल ब्रश लिया पकड़ा घुमा दिया सारे बालों को हॉरिजॉन्टली एंड छोटे बाल गाइडलाइन, बड़े बालों को काट देना है मुझे। तो ये बाल काटते हुए, टॉप के बाल काटते हुए डरिए मत प्लीज़ ओके। इस तरह से मैंने जिग जैग काटना है, ध्यान से देखिए
कितने बाल कट रहे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह से मैंने एक पूरा जो टेल है वो निकाल दिया। ओके, अभी इनको मैं साइड वाले बालों के साथ मर्ज कर लूँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ही रीचेकिंग हो जाती है पूरे हेयरकट की, उसके बाद मैं फ्रंट के लेयर्स जो रीचेक कर लेता हूँ, देन मुझे क्या करना है, ड्रायर करना है। ड्रायर के लिए मैं सेक्शनिंग कर लूँगा। सेक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और बालों को आउट कर्ल्स, स्पायरल कर्ल्स देने हैं मुझे, स्पायरल कर्ल्स करने हैं, ठीक है। तो स्पायरल कर्ल्स मैं बड़े राउंड ब्रश से पहले बालों को स्ट्रेट कर लूँगा, और छोटे राउंड ब्रश से मुझे कर्ल्स देने हैं। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर्ल्स कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से मैंने फ्रंट के हेयर्स लिए, राउंड ब्रश लिया, और अच्छे से राउंड ब्रश से पहले बालों को कॉम कर लिया। मैंने रूट्स पे हीट देते हुए पूरे बालों को ड्राई कर लिया। सब साइड से आपको हीट देनी है बालों को, ताकि रूट्स जो हैं एकदम ड्राई हो जाएं, जो गीले हैं, तभी आपके एंड्स सूखेंगे। सूखने के बाद उसमें रिजल्ट अच्छा दिखेगा, ग्लो ड्राएगा। अगर आपके रूट्स गीले रहेंगे तो वो पानी नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो मैंने अच्छे से पहले क्या किया, पूरे बालों को ड्राई कर लिया विद द हेल्प ऑफ ड्रायर एंड बिग राउंड ब्रश। बिग राउंड ब्रश एक्चुअल में हमेशा हम यूज़ करते हैं जब भी हमें बालों को स्ट्रेट करना है।
और छोटा राउंड ब्रश हम यूज़ करते हैं जब भी हमें बालों में कर्ल्स डालें। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, लाइक बड़ा राउंड ब्रश बाल स्ट्रेट करने के लिए, छोटा राउंड ब्रश बाल कर्ली करने के लिए। तो मैंने बड़े राउंड ब्रश से बालों को स्ट्रेट कर लिया, अभी छोटे राउंड ब्रश से आउट कर्ल्स डालूंगा, सिर्फ एंड्स पे, हेयर के एंड्स पे आउट कर्ल्स डालने हैं। मैंने कॉम किया, छोटे राउंड ब्रश से आउट कर्ल्स किया और उसको आउट करके हीट दिया। अब देखिए, मैं हीट दूंगा, फिर उसके बाद ठंडा ड्रायर चलाऊंगा, फिर गर्म चलाऊंगा, कॉम्बिनेशन एयर देनी है, कभी ठंडा कभी गर्म, और ये ज़्यादा फ्रीज हो जाएंगे जो कर्ल्स आपके, ज़्यादा देर टिकेंगे। ओके, तो ये आपको सीखना है यहीं पे। इसी तरह से मुझे इसको प्रॉपर पूरे बालों को अच्छे से ड्रायर कर लेना है। देखिए आप ध्यान से, जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं मैं कॉम करूँगा, तो जैसे ही ये आउट कर्ल्स हो जाते हैं इसको यहीं पे आपको कॉम करके छोड़ देना है। फिर पीछे के बालों को अच्छे से मुझे राउंड कर्ल्स करने हैं, एंड कर्ल्स करने हैं सारे बालों में। वो देखिए आप मैं ड्रायर से कैसे करता हूँ, फिर उसके बाद का रिजल्ट देखिए, एंड रिजल्ट क्या होता है इस हेयरकट का। यू ट्रस्ट मी, आपको ये हेयरकट बहुत पसंद आने वाला है। आप इसका रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट आने के बाद ही आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो प्लीज़ ध्यान से पूरा हेयरकट देखिए एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा हमने क्या किया है एक्चुअल में। ओके,
और जैसे ही ये साइड के बाल हो जाते हैं, मुझे एक्चुअल में ज़्यादा ध्यान देना है टॉप के एरिया में। टॉप के एरिया को जैसे ही मैं ड्रायर करूँगा, वो देखना आप मैं कैसे क्लिप करता हूँ, कैसे ड्रायर करता हूँ, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने छोटे राउंड ब्रश से कर्ल्स किए, बड़े राउंड ब्रश से कॉम करके अच्छे से बालों को वैसे ही राउंड करके छोड़ दूंगा ताकि वो ठंडे हो जाएं थोड़े से गर्म बाल। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा बॉक्स के एरिया को। ओके, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स ड्रायर करता हूँ। पहले मैं स्ट्रेट कर लूँगा एकदम से और हल्का सा राउंड लुक दूंगा ताकि आपका फेस जो है एकदम फ्रेमिंग हो जाए, इससे फेस फ्रेम होगा। अगर आप ये ड्रायर अच्छा कर लेते हो टॉप के बॉक्स एरिया का, इस तरह से मैंने राउंड किया और आगे हीट दिया एंड पीछे वाले बालों में भी हीट दिया अच्छे से और थोड़ी देर रुका, फिर उसके बाद कॉम्ब किया। ओके, फिर छोड़ा, मैंने घुमाया और उसके बाद क्लिप लगा दिया यहाँ पे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप फ्रंट के हेयर्स कर लेंगे, उसके पीछे वाला सेक्शन लिया, उसको भी इसी तरह से करना है। इसी से पूरा फेस का लुक चेंज होने वाला है, ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। अगर आप ये देखोगे आपको समझ में आएगा लाइक हम क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है इसमें। सो मैंने फिर से राउंड ब्रश से अच्छे से बालों को सुखा लिया और फिर से वैसे ही राउंड करूँगा जैसे मैंने फ्रंट वाले हेयर्स को राउंड किया है, बट इनवर्ड्स करना है, ठीक है। जब ये बाल पीछे जाएंगे तो इनवर्ड्स ही होंगे, ऑब्वियसली ये आउटवर्ड्स नहीं है, ये इनवर्ड्स है। तो मैंने अच्छे से हीट दिया, ज़्यादा हीट नहीं देना स्कैल्प के पास, ठीक है। तो मैंने हीट दे दिया यहाँ पे, कॉम कर लिया, बार बार उसको राउंड कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ हाथ लगा के ताकि बाल ठंडे हो जाएं। राउंड करके जैसे राउंड हो जाएगा इसमें मैं क्लिप लगा दूंगा जैसे मैंने फ्रंट पे लगाया, ठीक है। ये क्लिप लगा के थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये बाल जो मैंने राउंड किए हैं ये फ्रीज हो जाएं यहीं पे। अभी पीछे वाले बाल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कर्ल्स आए हैं इसमें, कैसा हेयरकट हुआ ये देखिए। मैंने सारे बालों को अच्छे से सारे कर्ल्स खोल दिए हैं और रिजल्ट देखिए आप, प्लीज़ जस्ट लुक एट दिस हेयर कट, कितना डिफरेंट हो गया ये। तो कितने सारे वेरिएशन हैं हेयर कट्स में, आपने देखे मैंने कितने हेयर कट किए हैं, स्टेप्स के अंदर भी कितने वेरिएशन है। इसको इस तरह से आप खोल सकते हैं तो जो फ्रंट का फेस लुक है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, जस्ट सी इट। मैंने कॉम किया अच्छे से, हाथ से ही कॉम करना है और इस तरह से छोड़ दिया, सी पूरा फेस चेंज हो गया है। ये चीज़ आप सीखिए, ये करना शुरू करिए, आप अपने क्लाइंट को हीरो बनाना, हीरोइन बनाना शुरू करिए इस तरह से। जैसे ही इनका हेयर कट हो जाएगा, शी लव इट, सच्ची में इसको हेयर कट बहुत पसंद आया। देखिए कैसे, कैसा लगा आप लोगों को, आप भी बताइए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए यू लाइक इट और नॉट। थैंक यू सो मच।